और अगर एक चीज आपने फॉलो कर ली तो आप पास हो जाओगे, ये बात याद रखना। आपको स्ट्रेटेजी बनानी ही पड़ेगी, और वो स्ट्रेटेजी ये है जो मैं बताने जा रहा हूँ। अब मेन बात आता है कितना टाइम देना है, कितना टाइम देना है। हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु सांगवान और आप देख रहे हैं ओए पढ़ले चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट ए के बारे में। पार्ट ए में आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए आपकी अपकमिंग एग्जाम में, ठीक है, कि कैसे आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे पार्ट ए सेक्शन में, ठीक है। तो पहले बात करते हैं क्या क्या करें। तो जैसे कि आपको पता है जो पार्ट ए है वो आता है रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और जीके, ठीक है। तो इन सारे सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट आपके पेपर में आएंगे, सारे सेक्शन 20-20-20 नंबर के, मीन्स पार्ट ए आपका होगा 100 मार्क्स का, ठीक है। और टोटल 200 क्वेश्चंस के लिए आपको मिलते हैं 120 मिनट्स। तो आपको मैनेज करके चलना है, कैसे कैसे वो आगे वीडियो में बात करेंगे। तो पहले रीजनिंग में ना आपको जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे करने हैं। बेसिकली रीजनिंग में तो ना पूरा सिलेबस कर ही लो, रीजनिंग सबसे आसान होती है। आसान मतलब कि प्रैक्टिस करोगे तो आसान हो जाएगी, सिलेबस कवर करने में आसान होती है। तो सिलेबस पहले कवर कर लो रीजनिंग का, उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। रीजनिंग में प्रैक्टिस के अलावा कुछ कर नहीं सकते, आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। वो सिलेबस आपको करना कहाँ से है, मैंने तो देखो आज तक ना रीजनिंग की कोई कोर्स लिया है नहीं। आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जो भी टॉपिक चाहिए उस पे सर्च कर दो। जैसे सिलॉगिज्म चाहिए तो सिलॉगिज्म SSC कर दो, या सिलॉगिज्म D++ भी कर दो, वो जो भी आएगा ना। अब SSC को भी देखते हुए करोगे ना तैयारी, तो वो सेम ही सिलेबस ही, क्योंकि दोनों का पेपर TCS ही बनाती है, तो दोनों का पेपर ना ऑलमोस्ट सेम होता है। तो आप SSC भी लिख दोगे ना, तब भी उसकी SSC की आपने कर ली तो आपकी हो जाएगी DCSB की भी, ठीक है। तो पहली बात तो रीजनिंग का आपको यूट्यूब से ही करना है। अगर आपको कोई लग के हाँ सही टीचर है और मुझे सही गाइड हो जाएगा तो आप कोर्स भी ले सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी वाली बात है नहीं कि लेना ही नहीं है। जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, पर मैंने करी थी यूट्यूब से, और यूट्यूब से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं जीके पे। जीके में क्या क्या है, जीके में है स्टैटिक और करंट, ठीक है। जीके में क्या है, स्टैटिक और करंट। अब इस स्टैटिक में ना, पहले जीके में आपको ना स्टैटिक कवर करनी है, क्योंकि आप करंट कर भी लोगे ना तो करंट का ये नहीं है कि आपने पिछले 6 महीने कर ली तो 20 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे करंट के, ठीक है। तो पहले आपको करनी है स्टैटिक। स्टैटिक में सारी चीज़ें आती हैं, कौन सी हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, पोल साइंस होगी, जो ये इकोनॉमिक्स होगी, ये सारे सब्जेक्ट्स हो गए, डांसेस हो गए, रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, है ना, पासिस हो गए, ये बहुत सारे स्टैटिक जीके में होते हैं, डांसेस, फेस्टिवल्स, ठीक है, अवार्ड्स, ये सारे पहले आप कर लीजिए, पहले ही कर लीजिए, ठीक है। बाद में टाइम बचे तो करंट अफेयर में घुस जाना और करंट अफेयर कर लेना, क्योंकि करंट अफेयर ना पता नहीं है कि पक्का आएगी आएगी, कि मैक्सिमम पोर्शन होगा नहीं होगा, पर ये है कि स्टडी जीके का मैक्सिमम पोर्शन होगा उन 20 नंबरों में से, समझ आ गई बात। तो जीके में ये करना, स्टैटिक जीके के लिए दो आपके लिए यूट्यूब चैनल बता रहा हूँ, क्रेजी जीके ट्रिक्स है और परचम क्लासेस है, ठीक है। तो मैंने भी यहीं से करी थी, अगर आपको अच्छा लगे इनका टीचिंग स्टाइल तो आप भी यहां से कर सकते हैं। तो ये बात होगी जीके की कदम। अब आते हैं मैथ्स की बात। मैथ्स में ना दो सेक्शन होते हैं, एक तो अर्थमेटिक का, मतलब सेक्शन मीन्स बेसिकली दो सेक्शन ही मान लो यार, ठीक है। तो अर्थमेटिक होता है एडवांस होता है, पेपर में नहीं मिलेगा, मीन्स डिवाइडेड है मैथ्स दो सब्जेक्ट्स मान लो या फील्ड्स मान लो, ठीक है, अर्थमेटिक और एडवांस में। तो पहले आपको अर्थमेटिक करनी, क्योंकि अर्थमेटिक का ना मैक्सिमम पोर्शन होता है, अर्थमेटिक का मैक्सिमम पोर्शन होता है, और अर्थमेटिक में ये सारा आता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एवरेज, ये काफ़ी सारे सब्जेक्ट जो इंटर रिलेटेड होते हैं ना, ये सारे अर्थमेटिक में आते हैं। और एडवांस में ना पहले आपको वो सब्जेक्ट कर वो चैप्टर करने हैं जो मैक्सिमम आए, मैक्सिमम मींस एडवांस में आपको पहले मेंसुरेशन करनी है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करनी है, ठीक है। पहले मेंसुरेशन और फिर सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद LCM HCF, उसके बाद अगर टाइम बचे तो आप कर सकते हैं बाकी चैप्टर्स भी। वैसे इन्हीं में से आता है, इसमें ज्योमेट्री आती नहीं है, ठीक है। तो आप मेंसुरेशन, सिंप्लीफिकेशन और LCM HCF कर सकते हैं एडवांस मैथ में। होगी बात, तो मैथ की बात खत्म होगी। अब मैथ की बात ये है कि आपको करनी कहाँ से है, करनी देखो यूट्यूब पे ना मैथ्स का पूरा सिलेबस पड़ा हुआ है, बस आपको ना जो टीचर अच्छा लगे उसकी मैथ्स क्लास आप लेनी स्टार्ट कर दो। और ये नहीं कि हाँ आज एक ली कल एक ली, पूरी लगातार लेनी चालू कर दो। हर टीचर की ना प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसमें जाके, उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि कितनी क्लासेस हैं, कि क्या क्या है, क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। तो वो ना एक बार जो आपने जो भी टीचर आपने सेलेक्ट किया है उसकी सारी क्लासेस लेते चले जाओ, ठीक है, सिलेबस पूरा कर लो। उसके बाद प्रैक्टिस मेन है मैथ्स में,
प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर जितने भी DCPRT के वो सारे लगा लो, तो उससे ना आपको फ़ायदा हो जाएगा और प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे कि ना अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। और मैंने मैथ्स ना गगन सर से करी थी, गगन सर कैरियर व्हील पे हैं, मैंने करी थी 2020 में करी थी, ठीक है। मैंने उनका बैच लिया था पेड वाला। अब चलते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, वोकैब में और ग्रामर में, ठीक है। अब वोकैब में ना आपको क्या करना है, मैंने जहाँ से करी थी, मैंने तो जयदीप सर की प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे ही वोकैबुलरी की, उसमें ना 150 प्लस क्लासेस है, तो ये मत समझे ना कि वो 150 की 150 करनी ही है, जितनी हो जाए 50 हो जाए, 60 हो जाए, 70 80 100, मैं तो कह रहा हूँ 100 कर लो। 100 में ना ऑलमोस्ट आपके 700 to 800 वर्ड्स हो जाएंगे, उसमें ये है आपका पूरा काम तो नहीं चलेगा पर हाँ जुगाड़ सा काम हो जाएगा। अगर आपको कम कंसाइज करना है ना तो 100 ले लो उसकी, उन सर की, ठीक है, तो 100 ले लो उस प्लेलिस्ट की, और कुछ ज़्यादा नहीं है। सर ने ना एक वीडियो में किसी में 4 करा रखे, किसी में 10 करा रखे, किसी में 12, और वो आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे जिस हिसाब से सर ने कराया ना। और बाकी जो आपको ठीक लगे, जो जिसका भी टीचिंग स्टाइल ठीक लगे, वोकैबुलरी ना यूट्यूब पे पढ़ी है, सारी पढ़ी है, तो वोकैबुलरी सर्च मारोगे ना वोकैबुलरी फॉर SSC तो वो आ जाएगी। और जिसका भी आपको टीचिंग स्टाइल अच्छा लगे ना तो आप उनकी फॉलो कर सकते हो। अब आते हैं ग्रामर पे। ग्रामर पे मैंने जहाँ से करी थी, मैंने तो ना लास्ट में टाइम कम बचा था मेरे, जब एग्ज़ाम आने वाले थे मतलब ये PRT वाला, तो मुझे ना इंग्लिश पूरी तो कर नहीं पाता उस टाइम पे, तो मैंने तो बस टॉप 100 रूल्स लिख दिया गूगल पे, टॉप 100 इंग्लिश रूल्स फॉर SSC। आप भी लिखोगे ना तो 3-4 वेबसाइट आ जाएंगे टॉप में, वो 3-4 वेबसाइट खोल लो, समझ गए। अब उसमें से ना जो इम्पॉर्टेंट है, उन 100 में से भी ना 50 इंपॉर्टेंट निकलेंगे, वो लिख लो बस, समझ गए। अब उसी में काम हो जाएगा मेरे हिसाब से तो, और बाकी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना हो जाएगा उसमें भी। और मेन है एक्टिव और पैसिव वॉइस तो कर ही लो, वो तो आनी आने, एक्टिव और पैसिव वॉइस और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, ये तो कर ही लो। बाकी रूल्स कर लो, रूल्स में हेल्प हो जाएगी, थोड़ा स्कोर बूस्ट हो जाएगा। और अगर आपको लेनी ही है ना, एक निमिषा बंसल करके मैम है, इन्होंने पूरी की पूरी 12 घंटे की सारे के सारे ग्रामर रूल्स करवा रखे हैं यूट्यूब पे। निमिषा बंसल मैम ग्रामर रूल्स लिखोगे ना तो वो आ जाएगी यूट्यूब पे, 12 घंटे की वीडियो है, तो वो ले सकते हो, उसमें फिर आपकी इंग्लिश लिपट जाएगी। मेन बचेगी प्रैक्टिस, आपको क्या आप पैटर्न समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे रूल्स का, कि जो रूल्स आपने पढ़ लिए उनका पैटर्न आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे, वो आपको प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। आप चलते हैं हिंदी पे। हिंदी में जैसे रीजनिंग आसान थी ना करनी, करनी मीन्स सिलेबस कंप्लीट करना, वैसी हिंदी आसान है, तो हिंदी भी करके रख लो। हिंदी चाहे तो आप किसी का बैच ले लो अगर जो भी आपको टीचर अच्छे लगते हैं, ठीक है। मैंने ना अरुण सर का लिया था, अरुण सर हिंदी कैरियर बिल पे, अगर आपको जो भी टीचर अच्छे लगते हैं आप उनका ले सकते हो बैच। और अगर नहीं लेना ना तो प्लस माइनस करके ना एक यूट्यूब चैनल है, उस पर एक मैम है, उन्होंने कराई हुई है, उसका लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा हिंदी वाली का, ठीक है, तो वो आप कर लो। उसमें ना ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सिलेबस है, और वो मैम ने ना D++B को देखते हुए ही डिज़ाइन किए हुए हैं क्लासेस, तो उसमें आपकी हेल्प हो जाएगी हिंदी में। तो ये बात होगी क्या करें और कैसे करें। क्या करें ये बता दी, क्या क्या करना है, कैसे करना है ये सारा बता दिया। अब मेन बात आता है कितना टाइम देना है, कितना टाइम देना है। देखो 5 सब्जेक्ट हैं, ऐसा अगर है कि आप पांचों के पांचों सब्जेक्ट में वीक हैं, फिलहाल GK को साइड रख दो, 4 सब्जेक्ट में अगर आप वीक हैं, वीक मीन्स अगर है स्टार्टिंग में, क्योंकि आप जस्ट कोई बच्चा एंटर करता है तो उसे ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, पर अगर आप चारों सब्जेक्ट के लिए स्टार्टिंग कर रहे हैं तो चारों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दो। अगर आप दिन के 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 1-1 घंटा दो। हिंदी और रीजनिंग का सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, जब कंप्लीट हो जाए इनका टाइम कम कर दो, और जो कि बच जाएगा आपका, जो कि मैथ बचेगा इंग्लिश बचेगा, इसका टाइम बढ़ा दो, ठीक है। अब बात ये है, जिसके 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं, जिसके 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे अगर उन सब्जेक्ट का पेपर आपके सामने आता है तो। अगर ऐसी बात है ना, तो जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल मान लिया कि रीजनिंग और हिंदी किसी की स्ट्रॉन्ग है, किसी की ना किसी को मैथ्स में और इंग्लिश में काम करने की नीड है, तो वो इंग्लिश और मैथ्स में ना ज़्यादा टाइम दे, और रीजनिंग और हिंदी में उनके कंपैरिजन में कम टाइम दे। ये बात आगे समझ, तो ये करना है। अगर ना आप सबको बराबर टाइम देते हुए चले गए ना, जो आपके वीक सब्जेक्ट है ना वो वीक ही रह जाएंगे, और जो स्ट्रांग है ना वो स्ट्रांग होके भी कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। अब रीजनिंग में आप 20 हैं,
18 लिया है, 19 लिया है, उससे ज़्यादा तो नहीं जा पाओगे ना। अगर आपके उतने पहले से ही आ रहे हैं, कितने प्रैक्टिस कर लो, ज़्यादा नहीं जा पाओगे ना। पर जो वीक सब्जेक्ट है ना, उसकी आपने कर ली ना, उसको पढ़ लिया, उसको कर ली, तो उसमें आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा, समझ के बाद। तो ये कर लो, जिसके वीक है पहले उन पे ज़्यादा फोकस, जो स्ट्रांग है उन पे थोड़ा सा कम फोकस। और टाइम कितना देना चाहिए पार्ट ए के लिए, कम से कम दिन में ना 4 घंटे निकाल लो, 4 घंटे निकाल लो, टाइम डिवाइड कर लो उस हिसाब से, करने सारे सब्जेक्ट है रोज, करने सारे सब्जेक्ट हैं, टाइम निकाल लो, उसमें सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस में रहेंगे, और जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं वो धीरे 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 स्ट्रांग बनते चले जाएंगे। अगर रोज़ प्रैक्टिस करोगे और रोज़ नया कंसेप्ट सीखोगे या फिर कुछ भी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप करोगे, और अगर एक चीज़ आपने फॉलो कर ली तो आप पास हो जाओगे, ये बात याद रखना। अगर एक चीज़ फॉलो कर ली तो, वो फॉलो क्या है, स्ट्रैटेजी। तैयारी के बेस पे आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको स्ट्रैटेजी बनानी ही पड़ेगी, और वो स्ट्रैटेजी ये है जो मैं बताने जा रहा हूँ। अपने इन 5 सब्जेक्ट में से कोई भी 2 से 3 सब्जेक्ट स्ट्रांग बनाओ, 2 से 3 सब्जेक्ट, जिसके 2 हैं उस पर भी काम चल जाएगा, जिसके 3 हैं वो तो अच्छी बात है। तो इसमें से 2 से 3 सब्जेक्ट स्ट्रांग बनाओ, जिसमें कि आपके अच्छे स्कोर बन जाए। स्ट्रांग का मतलब कि अगर आपके 20 नंबर हैं तो उसमें से ना एटलीस्ट 16+17+ मतलब 15 से कम नंबर ना आए, और 15 भी मैं कम बता रहा हूँ, 17 से कम नंबर ना आए, 17+ स्कोर रहे, वो होते हैं आपके स्ट्रांग सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब ना स्ट्रेटेजी आपको बनानी है कि आपको कितने मार्क्स चाहिए पार्ट ए में, पार्ट ए में कितने मार्क्स चाहिए। जैसे कि रोहन है, रोहन को मार्क्स चाहिए 70 मार्क्स चाहिए, तो अब उसे उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। और उसके 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग है मान लिए मैंने, और 3 है उसके इंटरमीडिएट, तो उन 2 सब्जेक्ट्स में ना उसे मतलब 20-20-40 हो गए। अब उस 40 मार्क्स में उसको एटलीस्ट 35+ स्कोर करना पड़ेगा, और बाकी 60 मार्क्स में उसमें भी 35+ स्कोर करना पड़ेगा, तभी उसका 70 होगा। तो मींस इन 2 सब्जेक्ट में 35 और अगले 3 सब्जेक्ट में 35, तो उसका 70 स्कोर हो जाएगा, 70+ हो जाएगा। और अगर किसी के 3 सब्जेक्ट स्ट्रांग है ना, 3 अगर उसके स्ट्रांग है, तो यहाँ पे उसको 60 में से एटलीस्ट 50+ और अगले 2 में से मतलब जो कि 40 होगा उसमें से 20+, तो ये भी 70+ हो जाएगा। फ़ायदा उसका होगा जिसके 3 सब्जेक्ट्स स्ट्रांग है। तो आपको ट्राई करना है कि आपके 3 सब्जेक्ट स्ट्रांग हो। स्ट्रांग कौन कौन से होते हैं, हिंदी आसानी से आप सीख सकते हो, स्ट्रांग हो जाएगी, रीजनिंग हो जाएगी, और मैथ्स हो जाएगी अगर मैथ्स करना चाहो तो। पर अगर 2 भी है 2 में आपका काम चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि 3 ही है तो तभी आपको कुछ हो पाएगा, नहीं, 2 में भी आपका काम चल जाएगा, समझ आ गई बात। अब ना फोकस किस पे करना है, पहले आपको फोकस आपको GK पे स्टार्टिंग में कम रखना है। अगर आपके बाकी सब्जेक्ट्स थोड़े वीक है ना, तो आपको GK पे कम फोकस रखना है, क्योंकि GK का सिलेबस ना बहुत वास्ट है, और उस सिलेबस को कवर करने के चक्कर में अगर आप अपना बाकी सब्जेक्ट्स का सिलेबस छोड़ दोगे ना, तो फायदे वाली बात है नहीं। जितने आप GK का सारा सिलेबस पूरा करोगे ना, इतने आपकी मैथ्स हो जाएगी, रीजनिंग हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी, इंग्लिश, मतलब GK तो वही है, ख़त्म होने वाली बात नहीं। तो GK के बिना आपको स्टार्टिंग में कम फोकस रखना है, पहले आपको जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं उनको एज अ मेन सब्जेक्ट बनाना है, और फिर बाद में ये नहीं कि भाई लास्ट में एग्ज़ाम में, थोड़े टाइम बाद जैसे कि 1 महीना होगा ये करते करते आपके सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हो चुके हैं, तो आपको फिर GK स्टार्ट करनी है, समझ आ गई बात। ये होगी बात, ख़त्म होगी। अगर आपको और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जैसे अभी एक पार्ट बी की ना स्ट्रेटजी वीडियो आने वाली है, तो वो तो आ जाएगी। और अगर इसके अलावा ना कोई वीडियो चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, एक तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और एक मेरा ना यूज़र नेम भी है, तो वहाँ पे मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और टेलीग्राम तो बनाई रखा है। और अगर और किसी भी टॉपिक की चाहिए ना, तो कमेंट कर दिया करो। और बाकी ठीक है, ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, अपने जो भी जज्बात हैं कमेंट में दर्शाइएगा, और भाई पहले बोला नहीं आज बोल रहा हूँ, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो बस ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे ऐसे ही, ठीक है, ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, अगली वीडियो में मिलती है, जब तक के लिए बाय बाय, राम।